আমাকে অনেক ভালো লাগছে, অনেক ভালো লাগছে, আমি অনেক খুশি আছি রিয়ার পাশে এসে। चैनल आर्यम्स कॉर्नर, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी मेरा थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज था, योगा कह सकते हैं एंड स्किपिंग, तो वो मैं स्टार्ट कर दी हूँ। वैसे स्किपिंग पहले भी मैं स्टार्ट की थी, बीच में बंद हो गया था, टाइम नहीं मिलता था, बट अब मुझे टाइम निकालना पड़ेगा कैसे भी करके, बिकॉज सेहत का सवाल है तो टाइम निकालना पड़ेगा। और आज ना मेरी आँख भी लेट से खुली, 7:45 हो रहा था, 7:30 तब मेरी आँख खुली। एक्चुअली मैं 6 बजे उठ गई थी, बट अंधेरा था और सैटरडे है, तो सैटरडे सेकेंड सैटरडे एंड थर्ड सैटरडे छुट्टी का ही दिन रहता है, दोनों का छुट्टी रहता है, तो इसलिए मैं भी सोची थोड़ा सा मैं भी छुट्टी ले लेती हूँ। एंड अभी मेरे को जाना है और काम स्टार्ट करना है, मतलब खाना वगैरह वो भी मैं शेयर करूँगी क्या बना रही हूँ क्या नहीं, बिकॉज आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ गेस्ट हमारे, मेरी जो न्यू फ्रेंड बनी है वह उनकी फैमिली को इन्वाइट किया है हमने डिनर पे, तो डिनर का कुछ कुछ तैयारी अभी से मैं करके रखूँगी, जैसे कि बूंदी का रायता वगैरह सोच रही हूँ, प्लेन रायता बनाऊँ या बूंदी का रायता समझ नहीं आ रहा है, बट ठीक है कोशिश करूँगी, अगर बूंदी का रायता बन जाता तो बूंदी का रायता, वरना प्लेन रायता तो फिक्स है, जैसे भी रहेगा मैं बताऊँगी शेयर करूँगी। फिलहाल तो सांस बहुत फूल रही है, अभी भी फिलहाल जस्ट मेरा ख़त्म हुआ स्किपिंग वगैरह। एंड आप चेहरे पर ग्लो देख रहे हो, दाग तो हैं बट ग्लो जो आ रहा है ना, वो जो मैं फेस पैक एंड सीरम लगा रही हूँ उससे आ रहा है, तो आप देख सकते हो। कल क्या हुआ, रात को मैं बैठी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम मॉइस्चराइजर मत लगाओ, तुमको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और पूरा चेहरा तुम्हारा ऑयली ऑयली हो जा रहा है। तो मैं बोली कि ऑयली मतलब मुझे तो ड्राई फील हो रहा था, मोटू पतली लगा दो, मुझे बहुत ड्राई फील हो रहा था, तो मैंने बोला कि ऑयली कैसे हो रहा है चेहरा, फिर जैसे मैंने टच किया मैं बोली ऑयली तो है नहीं, बिल्कुल ऑयल नहीं है, तो फिर अभी फ़िलहाल ऑयली है, अभी ऑयली है, तो मैं बोली एक बार टच करके देखो, तो देन उन्होंने ऐसे टच किया, अरे हाँ ग्लो आ रहा है तुम्हारे चेहरे में, ऑयली नहीं हो रहा है। पॉजिटिव इफेक्ट दिखने लगे हैं मॉइस्चराइजर एंड क्ले मास्क एंड सीरम जो भी है एंड फेस वॉश मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो वो भी मैं शेयर करूँगी, एक दिन थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाए स्किन, देन मैं आपको बताऊँगी कि कैसा इफेक्ट हुआ है। अभी मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन हो रहे लगाते हुए, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, होप ये वीडियो आपको पसंद आए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या स्मेल नहीं करती हूँ, कैसे छोड़ दी बेटा, क्या करती हूँ रिकॉर्डिंग में, मुंह बंद कर लेती है, तो मुंह ऐसे करके दिखाते रहो दांत निकाल के, कैसे मम्मी मामा कैसे बोलती है, लेट्स गेट स्टार्टेड, फिर मुंह कैसे बंद करती है मामा ऐसे, कार्टून कहीं का। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है करीबन 1 kg चिकन, तो ये बोनलेस और बोन दोनों मतलब मिक्स वाला चिकन है, तो यहाँ पे चिकन में मैं पहले मैरिनेशन करके ले रख दूँगी, तो मैं दोपहर को ही मैरिनेट कर लूँ। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने दही डाला है, दही का पानी मैंने पहले हंग कर्ड यहाँ पे घर पे बनाया था, तो यहाँ पे मैंने 2 से 2.5 चम्मच बड़ा चम्मच दही ले लिया है, और
मैरिनेशन इसलिए पहले से करके रखूँगी, अगर आप चिकन मैरिनेट करके रखते हो ना तो उसमें ना बहुत सॉफ्टनेस आ जाती है। तो ये मैरिनेशन कम से कम मैंने करके रखा था चार पाँच घंटे करके रखा था। सो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और ये गरम मसाला ले लिया है। और मिर्ची पाउडर आप चाहे तो जो रंग वाली रहती है वो ले सकते हो, ये मैंने दोनों मिला के लिया है। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालूंगी फ्लेवर के लिए और थोड़ा सा कलर डालूंगी, फूड कलर, तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। या फिर कश्मीरी मिर्ची यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसको गेस्ट के लिए बनाना था, फूड कलर यूज़ किया है। इसको अच्छे से हाथों से मिला देंगे ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए और इसको हम ढक के फ्रिज के अंदर रख देंगे जितना भी आप जब भी शाम को बनाना चाहो। तो मैंने ऐसे ही किया था। तो यहाँ पे मैं बाकी काम भी निपटा ले रही हूँ अपने, ताकि फटाफट से जो चावल दाल ये सब मैं बना लूँ और दोपहर का हमारा जो खाना है ये हो जाए। उसके बाद जो हमारा डिनर की तैयारी है वो मैं शाम से करूँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सब काम कर रही हूँ। चिकन अगर पहले से आप मैरिनेट करके रखते हो ना तो आपको एक प्रॉफिट ये होगा कि बहुत कम टाइम में आपका चिकन बन जाएगा और इतना ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगा कि मैं क्या बताऊँ। तो आप मैरिनेट करके अगर चिकन बनाते हो तो ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोपहर को चावल है, आज मैं अपनी रोटी नहीं बना, राइस खा लूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं खाऊँगी। एंड अभी फ़िलहाल इधर मैं बता रही हूँ आपको, इधर चावल बन रहा है और ये है दाल भी बनेगा, भिंडी की सब्ज़ी है अभी दोपहर के लिए, और जो डिनर का रहेगा वो रात का रहेगा। फ़िलहाल तो अभी मैं यही कर लेती हूँ फटाफट से। और चिकन जो है मैंने मैरिनेट करके रख दिया है फ्रिज में, और अभी बनाना है मुझे रायता। बट मैं बहुत ज़्यादा डाउट में हूँ कि मैं बूंदी का रायता बनाऊँ या फिर जो मिक्स करके कुकुम्बर बीटरूट ये सब का जो रायता बनता है, तो शायद मैं बीटरूट की कुकुम्बर का रायता बनाऊंगी, बूंदी का रायता नहीं बनाऊंगी, बिकॉज चिकन ऑयली पुलाव बनेगा वो ऑयली, देन बूंदी का जो रायता है बूंदी में मतलब तेल में तो करना पड़ेगा ना बूंदी को, तो मे बी जो बीटरूट और इसका रायता है वो मैं बना लूँ, वो ही बनाऊँगी, मैं फाइनल कर चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल मैं दाल वगैरह बना के जो दोपहर का ये सब ख़त्म कर लेती हूँ और प्लेट्स वगैरह निकाल लें। तो फिलहाल ये फटाफट से मैं फिनिश करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ दोपहर का खाना वगैरह सब हमारा डन हो चुका है और मैं फिर से आ गई हूँ शाम को किचन में। हम चिकन की एक यमी सी रेसिपी बनाएंगे, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, आप ट्राई करके देखिएगा। एक मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है और कढ़ाई पे मैंने डाल दिया तेल, और तेल को हम अच्छे से फैला देंगे कढ़ाई के चारों तरफ। और अभी हमको क्या करना है, चिकन के पीसेस को फ्राई करना है। सो ये जो मैरिनेशन के लिए मैंने रखा था चिकन को, कम से कम 4 घंटे रख दिए थे मैंने, तो आप चाहो तो 1 घंटे रख सकते हो। तो इससे क्या होता है, जो मैरिनेशन है चिकन के अंदर तक जा चुका है, इसे हम ऐसे करके एक एक करके डाल देंगे कढ़ाई में। और कढ़ाई में डालने के बाद इसे अभी हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, क्योंकि अगर आप अभी कोशिश करोगे मतलब पलटाने की तो नहीं होगा, तो उसे थोड़ी देर ढक देंगे। और जो फ्लेम है वो मीडियम से हाई के बीच रहेगा। कुछ देर बाद इसे हम देखेंगे कवर को हटा के, तो आपको कुछ इस टाइप का नज़ारा दिखेगा। इसका मतलब ये है कि जो चिकन है हमारा पूरा पानी छोड़ चुका है, क्योंकि इसमें दही है, नमक है, तो इसमें ये पूरा पानी छोड़ चुका है चिकन। और इस टाइम पे इसे हम थोड़ा सा उलट पलट कर देंगे और इसे पूरा कवर नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम कवर खुला रखेंगे, जस्ट लाइक दैट आपको दिख रहा होगा। तो इस टाइप से खुला रखेंगे थोड़ी देर बाद, और पकाने के बाद इसे हटा के फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे पूरा अगर कवर करोगे तो पूरा बॉयल हो जाता है, तो इसे पूरा कुक नहीं करना है हमें, इसे 70-80% ही कुक करना है। तो आप देख सकते हो मैंने पूरा नहीं ढका, और चिकन का जो पीसेस है वो अच्छे से गल मतलब पूरे गल नहीं गए हैं। सो ये जो चिकन है वो हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि ये जो नीचे नीचे हल्का हल्का कढ़ाई में चिपक जा रहा है, यस, तो इसे हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जो कितना तेल सेपरेट हुआ है वो तेल को भी फेंकना नहीं है, वो तेल को हम अच्छे से छान के दोबारा रीयूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल छान दिया था, और ये जो चिकन कितने अच्छे से फ्राई हो गए, ये पूरे फ्राई नहीं हुए हैं, ये 70-80% हुए हैं। यहाँ पर हम लौंग, इलायची और जयपत्री डाल देंगे। और चिकन के तेल को मैंने अच्छे से छान लिया था, जिससे कुछ भी जो चिकन की जो रेसिडियो यहाँ पे ना रहे। तो ये हमने डालने के बाद हमने यहाँ पे प्याज डाल दिया है। प्याज मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, प्याज करीबन यूज़ कर रही हूँ मैं 2 बड़े साइज़ के प्याज। अगर मीडियम प्याज रहते हैं तो आप 3 यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज यूज़ किया है। प्याज को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि कभी भी हम नॉनवेज या ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो मेन जो खेल रहता है वो प्याज का ही रहता है। तो अच्छे से प्याज को फ्राई करने के बाद, जब तक मेरा प्याज फ्राई हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे मसाले तैयार कर लूँगी। उसके लिए मैं
जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, देन लाल मिर्च का पाउडर, ये तीखी वाली है लाल मिर्च, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हल्दी पाउडर और यूज़ करूँगी गरम मसाला पाउडर। तो ये जो पाउडर है इसमें थोड़ा सा पानी मिला के मैं इसे पेस्ट बना लूँगी, तो उससे क्या रहेगा कि ये बहुत अच्छे से थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा और इससे टेस्ट भी चेंज होता है, आप करके देखिएगा। तेल में अगर आप मसाला डालते हो या फिर ऐसे पानी में करते हो, दोनों का टेस्ट अलग रहता है। तो यहाँ पे मैंने चिकन मसाला थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है, सो यहाँ पे इस थिक कंसिस्टेंसी में हम लोग एक ऐसा तैयार कर लेंगे पेस्ट। देन यहाँ पे जो हमारा अनियन है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें मैं 2 से 2.5 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए पेस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छे से फ्राई कर देंगे ताकि जो जिंजर गार्लिक का रॉ स्मेल है वो बिल्कुल चला जाए हमारे पेस्ट से। सो इसे थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने ग्रेवी तैयार की थी, पेस्ट तैयार की थी मसाला का, वो हम यहाँ पे अच्छे से पोर कर दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं। और इसे भी हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम में अच्छे से हम इसे कुक कर लेंगे, तो जो मसाला का रॉ फ्रेगरेंस है वो भी निकल जाएगा। इसी बीच मैंने चावल भी भिगा दिया है, ये है बासमती राइस, तो ये मैंने थोड़ी देर भिगा के रखा है ताकि जब हम पुलाव बनाएंगे तो बहुत इजीली ये बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। यहाँ पे मैंने प्यूरी तैयार कर लिया है, ये है टोमेटो प्यूरी, ये 2 टमाटर का प्यूरी मैंने किया है, ये देसी टमाटर इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो छोटे टमाटर थे। यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक, तो टमाटर में नमक डालना बहुत ज़रूरी रहता है, अच्छे से कुक होता है और टमाटर का जो खट्टापन है वो हल्का सा कम हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से मसालों को मिक्स कर दिया है, तो पास से कुछ इस टाइप का मसाला दिख रहा है, तो काफ़ी मतलब मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो भी बहुत यम्मी लग रहा है, खाने में तो यम्मी था ही। सो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए टोमेटो केचप, टोमेटो केचप टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड करो, बट ऐड करोगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। सो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया टोमेटो केचप। अब हम क्या करेंगे, मसाला रेडी हो गया, अब चिकन के पीसेस को हम मसाले में अच्छे से डंप कर देंगे एंड इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे हमें फिर भी अभी 10 मिनट पकाना है, तो इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो ये अच्छे से मैंने कुछ देर पका लिया है, करीबन इसे मैंने 5 से 10 मिनट और पका लिया अच्छे से, मतलब फ्राई कर लिया उस मसालों में ही ढक ढक के। देन ये मैंने यहाँ पे गर्म पानी किया है, और इसमें ग्रेवी करने के लिए गर्म पानी ही यूज़ करेंगे, ठंडा पानी अगर आप यूज़ करते हो ना तो ये जो मसाला आपने इतनी मेहनत करके जो कलर क्रिएट किया वो कलर पूरा चला जाएगा। सो गर्म पानी ही यूज़ करेंगे ग्रेवी करने के लिए, गर्म पानी यहाँ पे कर दिया, और जितनी भी थिक ग्रेवी चाहिए आपको उस हिसाब से आप पानी डालोगे, मुझे ज़्यादा थिक नहीं चाहिए थी और ज़्यादा ऐसा पानी पानी भी नहीं चाहिए था, तो ये इसको मैं ढक के 5 मिनट और अच्छे से कर लूँगी बॉयल। तो जो मसाला है वो तैयार है, चिकन भी तैयार है, तो मेरा चिकन जो बनाना था मुझे वो रेडी हो गया है, चिकन मैंने बना लिया है और रेसिपी मैंने शेयर की है। आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा और ट्राई करिएगा, घर पे बहुत अच्छा लगता है, इससे पहले भी मैंने ट्राई किया इसलिए बता रही हूँ, इस बार पता नहीं कैसे बना है, तो फीडबैक तो बाद में ही मिलेगा। एंड मैंने रायता बनाया है जो कुकुम्बर और बीट रूट और गाजर को कद्दूकस करके जैसे रायता बनता है वो मैंने बताया, वो शेयर नहीं किया है, बहुत जल्दी जल्दी मैं की हूँ। एंड पापड़ फ्राई बाद में करूँगी, रोस्टेड पापड़ फ्राई नहीं। एंड सलाद काट लिया है, तो फिलहाल इधर बाबू भी स्केटिंग से आ गया है एंड ही इज़ ऑल्सो रेडी, इसके बाद थोड़े बिगड़ गए हैं, मैं भी रेडी हूँ और मैं बताती हूँ और कौन रेडी है। एक और रेडी है जो कि आपको आधे बनियाइन में मिलेंगे, लेकिन आज टी शर्ट है, ऐसा लग रहा है आपको बहुत ही अच्छा, अच्छा तो लगेगा क्योंकि खाना तो मैं बनाई हूँ, तो मुझसे पूछो आपको कैसा लग रहा है स्पाइडरमैन। अच्छा माले को मैं हमें 4 साल हुए, 4 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने किसी को डिनर पे इनवाइट किया है, वो भी हमारे कास्ट बंगाली, इनको ये बहुत खुशी है, इवन मुझे हम दोनों को ये बहुत खुशी है कि हमारे मतलब बंगाली कास्ट में मिल गए हैं फाइनली 4 साल बाद में। ये भी खोज रहे, पता है बंगाली मिल जाए, हम भी खोज रहे थे, तो बाई चांस लकीली हम मालेगांव में, बंगाली खोजना मतलब समंदर में सुई खोजना, सुई खोजना। हाँ लेकिन अच्छा लग रहा है। तो अभी जो नीचे वाली मेरी फ्रेंड है
वो आएगी तो उससे मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी, भैया से नहीं कराऊंगी क्योंकि भैया बहुत शाय है, वो कैमरा के सामने आने से पक्का वो शर्मा जाएंगे, वो गारंटी है। पुलाव भी बनाना है तो पुलाव अभी चढ़ा दूंगी, 7:30 हो रहे हैं तो सीटी खुलते खुलते आराम से, मतलब वैसे भी कुकर में गर्म रहता है, जल्दी ठंडा होता नहीं है। तो यही है अभी, बासमती चावल मैंने पहले से भिगा के रखा तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, फटाफट से करते हैं और फिर जब आएंगे तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं बैठ के, क्योंकि अगर कोई आता है तब आप खाना बनाने में लगो ना तो बातें नहीं हो पाती, इसलिए मैंने पहले से सब निपटा लिया है ताकि मैं आराम से बैठ के बातें कर सकूं। और तो बस यही है, और डिनर में बुलाने का उद्देश्य यही रहता है कि बहुत सारी बातें कर सके, तो बस यही रहता है। फिलहाल फटाफट से मैं पुलाव चढ़ा देती हूँ और वो बन जाएगा तो फिर वो भी आ जाएंगे, तो फिर देखते हैं कैसा क्या रहेगा, कितना शूट कर पाऊँगी पता नहीं, बट जितना भी होगा ट्राई करूँगी। ये रहा रायता, रेडी हो चुका है। तो इसमें मैंने बीट रूट और क्या बोलते हैं उसे, कुकुम्बर खीरा मतलब, और गाजर उसका कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है, और ऊपर से मैंने कुछ कुछ मसाले डाले हैं जैसे कि जीरा पाउडर एंड यहाँ पे बाबू बदमाशी कर रहे हैं, रुको करेंगे, तो जैसे कि जीरा पाउडर है, पुदीना के पत्ते हैं, देन लाल मिर्च पाउडर है, और एक कौन सा मसाला है, ये क्या बोलते हैं, काली मिर्च पाउडर है। तो और इसमें नमक ना बाद में ऐड करेंगे, अगर अभी इससे नमक ऐड करके रखेंगे तो इसमें पानी छोड़ देगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो जब इसे सर्व करेंगे उससे थोड़ी देर पहले नमक ऐड करेंगे। हेलो, चालू है गाइस, क्या बन रहा है आज? जो बहुत क्या बन रहा है, खाली कुकर बन रहा है, असली माल तैयार है। यहाँ देखिए क्या है ना, मेरे हस्बैंड जो है मोनेटाइजेशन की पार्टी तो मुझे दिए नहीं, मतलब ये नहीं कि केक एक लाके, इसीलिए अभी ये पार्टी कर रहे हैं, इसीलिए मैं खुद ही वो कर रही हूँ, खुद ही पार्टी कर रही हूँ। आया हमारा छोटू उस्ताद सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, बड़ो आएगा करके, अब इसका फ्रेंड के लिए वेट कर रहा है। देखो तो बाबू किसका कौन आने वाला है, डोडो कौन है, लोडो, लोडो किंग बोलता है डोडो, इधर देख के बोलो फ्रेंड। वैसे तो पुलाव की रेसिपी बहुत इजी है, फिर भी दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने पूरे खड़े मसाले मतलब शाही जीरा, नॉर्मल जीरा, जयपत्री, देन बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, सभी मैंने खड़े मसाले गरम मसाले ले लिए हैं, और यहाँ पे बस मैंने जो चावल को भिगो के रखा था बासमती राइस उसको मैंने अच्छे से पानी निकाल के इसमें डाल दिया है, हल्का सा इसे बस सॉटी कर लेंगे मतलब टॉस कर लेंगे ऑयल में, या फिर घी यूज़ कर सकते हो, मैंने दोनों मिला के दिया है घी एंड ऑयल, तो यहाँ पे ये अच्छे से हो गया है। देन इसमें हम ऐड कर देंगे पानी, पानी ज़्यादा नहीं लगेगा बिकॉज जो राइस है अच्छे से सोख था वाटर में, अब यहाँ पे हम डाल देंगे नमक और नमक डाल के इसे मिक्स कर देंगे, और बस कुकर की सीटी बंद कर देंगे, ढक्कन बंद कर देंगे और सीटी लगाएंगे हाई फ्लेम में, 1 से 2 सीटी बस लगेगा। सो बस पुलाव हमारा रेडी है और हम भी रेडी हैं। आ चुका है बाबू का क्लोजेस्ट फ्रेंड डोडो, है ना, हाय बोल दो, हाय हाय, इधर क्या कर दो, हाय हाय, इधर 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 इधर, मतलब फोटो, अभी फोटोग्राफी हो रही है दोनों की, मुंह तो बंद करो अंकल, डोडो इज सो सीरियस, डोडो सीरियस है, ओह माय गॉड इतना प्यार, इतनी सारी किस्सी, डोडो तुम यो कर दो, चुम दे दो, अरे बाबा, बस 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 हो गया, चुप गया, बस ओ तो चुप, ठीक है, इनसे एक बच्चा नहीं संभालता, आज ये दो दो संभालेंगे। डांस करो, ए ओला ओटा सुनो ना डोडो, वो तेरी झलक सरफी, कैसे किमी किमी करे बाबू, डोडो किमी को डांस करे, हाँ देख देख देख, ओके स्टार्ट, हाँ चलो चलो रुको, 1 2 3 तेरी, ऐसे नहीं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे,
बाबू ऐसे देखो 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 डोडो को देखो, हाँ कैसे, एक बार और, एक बार और डोडो, एक बार और, एक बार और, चलो 1 2 3 स्टार्ट, चलो अरे वाह डोडो के सीखे छे तुम्हें नीचे नीचे सीखे गए छो, खूब भालो डोडो के प्राइस पावे छे डोडो के ना, तो की प्राइस पावे डोडो चॉकलेट चलो बस हमें आंसी ठीक है बच्चा पार्टी वन बस बस डोडो डोडो बेसी लापाओ ना खांसी अच्छे ना बेसी लापाते नहीं। आज बाबू इतने दिन बाद इतना खुश लग रहा है क्योंकि उसका फ्रेंड आया है और नीचे बाबू चलो कचरा उठाओ कचरा उठाओ नीचे नहीं फेंकते कमन 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 वो देखो डोडो आपको उठा के दे रहा है। तो अभी सब घर पे आ गए हैं और ये दोनों बदमाश यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। चलिए मैं आपको मिलाती हूँ अपनी न्यू फ्रेंड से, न्यू बंगाली फ्रेंड जो मिली है रिश्ते, तो इनका नाम है सोमा, मेरी छोटी बहन का नाम जो है वो है डोडो। बच्चे बहुत बदमाश है हम दोनों के, दोनों सेम कैटेगरी के हैं। तो आपको कैसा लग रहा है मेरे ब्लॉग में आके, तो ये बंगाली है तो हम बंगाली से बात करेंगे ठीक है, तो कितनी लगे আমাকে অনেক ভালো লাগছে, অনেক ভালো লাগছে, আমি অনেক খুশি আছি রিয়ার পাশে এসে। আজকে আমি প্রথমবারে ডিনারে ডেকেছি কেন কি এর আগে এ আমাকে ডিনার করিয়ে দিয়েছে, তো এখন আমি রেখেছি ওর পরে আবার একবার ডাকবো হোলিতে হবে তখন আমাদের গেট টুগেদার আমরা ভেবেছি। তো এখন আমরা যাবো ডিনার করতে কেননা 9:15 হচ্ছে, 9:30 হচ্ছে, তো এখন আমরা যাবো ডিনার করতে ঠিক আছে 9:30 হয়ে গেছে। তো এখন ডিনার করতে যাবো আর যো বেঙ্গলি নেই হিন্দি তো আমি হম ডিনার করতে যা রে মে ফ্রেন্ড ইনকা নাম হ্যাঁ সোমা আর নমস্কার কেসে হ্যাঁ সব আপ সব বচ্চে হোগে মেরে সাথে রহনে কি সিখ জায়েগি ইয়ে বোলনা আর ইসকা জিতনা হেজিটেশন হ্যা ওয়ো ভি নিকল জায়েগা আমা বল अच्छा बॉल ओके। सो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर वगैरह करने और जो भैया हैं उनको मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि भैया बहुत शर्माते हैं, पता नहीं इससे ज़्यादा शर्माते हैं ये जितने शर्माते हैं इससे ज़्यादा भैया शर्माते हैं। तो फिलहाल अभी जाते हैं फटाफट डिनर करते हैं, क्यों अच्छे नहीं है ना होना तुम्हें नहीं है ना तुम्हें अच्छी ओके। सो अभी मिलते हैं डिनर के टेबल पे और क्या क्या बनाएंगे, मैं सब सूट कर चुकी हूँ, कब दिखा चुकी हूँ मैंने क्या क्या बनाया क्या नहीं। फिलहाल अभी चलते हैं और बच्चे लोग बहुत उधम मचा रहे हैं, ये बोल रही थी नहीं आऊँगी मैं नहीं आऊँगी, अभी देखो आगे कैसे चलो फिर अभी मिलते हैं डिनर पे। तो डिनर वगैरह सब डन हो चुका है और सब खा के जा चुके हैं, अभी 12:15 बज रहा है तो 11 बजे ही खा के निकल चुके हैं, नीचे रहते हैं तो चले गए हैं और भैया भी काफ़ी थक गए थे इसलिए जल्दी चले गए, नहीं तो 12:15 तक तो पक्का प्रोग्राम था क्योंकि हम जब गए थे ना तो 12:12 गया था। ओके सो आज के जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ बिकॉज काफ़ी रात हो गई है और अभी सोना भी है और मेरे को एडिटिंग करनी है एक्चुअली फ़िलहाल, तो क्योंकि आज जिस दिन ये मैं शूट कर रही हूँ उस दिन तो कोई ब्लॉग आया नहीं होगा, टाइम नहीं, मेरा सुबह से बहुत बिजी चल रही थी, तो अभी सोच रही हूँ जितना हो पाएगा एडिटिंग कर लूँगी बिकॉज आँख में पूरी नींद भरी है, थक गई हूँ। आज का ब्लॉग पर एंड होता है, होप आप सबको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है देन डू लाइक शेयर वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो डैट मेरी वीडियोज़ के फ्यूचर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड यस ऑल्सो फॉलो मी इंस्टाग्राम जिसमें आपको अच्छी अच्छी रील्स देखने मिले। तो आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।